الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضاد والدة بوالدها ولا مولود له بروته بوالده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنے برس دودھ پلائے, ایک تو یہ بات بیان کی. فرمایا والوالدات یرضین اولادہن, اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین, پورے دو برس, پورے دو سال. لمن اراد ان یتم الرضاع, اور جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے, اس کو کہتے ہیں مدت رضاعت, یعنی بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ کتنی ہے. تو قرآن پاک نے اس کو متعین کیا کہ بچے کو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال پورے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور جس کا بچہ ہے اس پر عورت کا کھانا اور پہننا حسب دستور. لا تکلف نفس الا وسعها, کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت, بر اس کی طاقت کے مطابق. اب یہاں ایک جو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے, بچہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے اور ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے, تو پھر اصول یہ ہے کہ ماں ہی اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اسی پر دودھ پلانا لازم ہے. بچہ اور اس کی ماں کا جو خرچ ہے, یعنی اس کے کھانے پینے کا, اس کے پہننے کا, اس کے رہنے کا انتظام, وہ بچے کے باپ کے ذمے ہے. ایک تو یہاں سے مسئلہ یہ ہوا, جو نسب ہے وہ باپ کی طرف. دوسرا مسئلہ جو اس سے آیا وہ یہ کہ اپنے بچے کا اور بچے کی ماں کا جملہ خرچ وہ باپ کے ذمے ہے. دوسرا, ماں دودھ نہیں پلانا چاہتی, باپ کسی دوسری عورت کو اجرت پہ دودھ پلا سکتا ہے, یعنی کوئی دوسری کسی عورت کا دودھ اپنے بچے کو پلانا چاہتا ہے تو اس عورت کا جو طے ہو جائے اجرت اس کو ادا کرے, یا اس کی بیوی کہے میں تیرے بچے کو دودھ پلاؤں گی لیکن اس پر میں اتنی اجرت طلب کروں گی. پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ وہ اس کو اجرت دے, لیکن بیوی اپنے شوہر سے اس حال میں اجرت طلب کر سکتی ہے جب وہ دینے کے قابل ہو, جب وہ اجرت دینے کے قابل ہو. اگر وہ اجرت دینے کے ہی قابل نہیں, غریب ہے
वो बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी के रोटी कपड़ा मकान इन चीज़ों की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, तो फिर बीवी के लिए अपने बच्चे को खुद ही दूध पिलाए। तो इसको भी कुरान पाक ने ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुदारा वालिदतुन बिवालिदिहा, कि एक तो ये कि माँ को तकलीफ न दी जाए इसके बच्चे से। माँ को तकलीफ क्या है? पहली तकलीफ तो यह है कि अगर माँ दूध पिलाना चाहती है तो जबरदस्ती बच्चे का बाप ने कहा मैंने आपका दूध नहीं पिलाना, मैं तो कहीं और से पिलाऊंगा। और दूसरी तकलीफ, अगर माँ अपने बच्चे से मानूस है, अब जबरदस्ती माँ से बच्चा नहीं ले सकते। ये इसको कहते हैं चाइल्ड प्रोडक्शन। इस्लाम ये बच्चों के हकूक भी बयान कर रहा है। यूरोप मगरब आज भी इस पास पे है, बच्चा किसको दें किसको ना दें, मगर इस्लाम यहां ये बात बयान बड़ी खूबसूरती से कर रहा है। ला तुदारा वालिदतुम बिवालिदिहा वला मौलूदुन लहू बिवालिदिही, फरमाया के मां को तकलीफ न दी जाए इसके बच्चे से और ना औलाद वाले को इसकी औलाद से। वाल वारिसी मिस्लु ज़ालिका, हाँ मां तकलीफ न दे अपने बच्चे को और ना औलाद वाला अपनी औलाद को। अब इसकी तकलीफ वही, बच्चा मां से मानूस है और बाप जबरदस्ती इसको खींचने के चक्कर में है, तो इस्लाम कहते हैं या मां अपने बच्चे से मानूस है और बच्चा मां से मानूस है। अब मां को यह नहीं कि वो जबरदस्ती अपने बच्चे को अपने से दूर करे, अपनी औलाद को अपने से दूर करे। अगर मां दूध पिलाना नहीं चाहती तो आप जबर के साथ उसका दूध नहीं पिलवा सकते। ये वो तकलीफ जो आप औलाद की वजह से मां को दे रहे हैं, या मां छोड़ना ही नहीं चाहती अपनी औलाद को और उससे जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि ना औलाद को तकलीफ दी जाए वालिदैन की वजह से और ना वालिदैन को तकलीफ दी जाए औलाद की वजह से। फइन अरादा फिसालन अंतराद मिनहुमा व तशावुरी फला जुनाह अलैहिमा, या जो बाप का कायम मुकाम है यानी जो भी उसका कफालतदार है उस पर भी ऐसा ही वाजिब है। फिर अंतराद मिनहुमा तशावुरी फला जुनाह अलैहिमा, फिर माँ बाप दोनों आपस में मशवरा कर लें, बहमी मशवरा कर लें और बच्चे का दूध वो छुड़ाना चाहें तो फिर उन पर गुनाह नहीं। गुनाह उस सूरत में है कि जब आप जबरदस्ती छुड़ा रहे हैं, यानी बाप ये चाहता है माँ दूध पिलाए या माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी, मैं अभी तक नहीं छुड़ाना चाहती, अब जबरदस्ती छुड़ा रहे हैं। अगर दोनों मशवरा कर लेते हैं कि ठीक है बच्चे का दूध छुड़ा दें, और फुका आने लिखा कि उस सूरत में कि आप समझते हैं अगर बच्चे का दूध छुड़ा दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा, यानी बच्चे में कमजोरी नहीं आएगी, बच्चे को कोई बीमारी लाहिक नहीं आएगी, वो कुछ दूसरी चीजें खा पी सकता है और उन पे गुजारा कर सकता है। तो इस सूरत में वालिदैन मियां बीवी दोनों मशवरा कर ले कि ठीक है हम बच्चे का दूध छुड़ाते हैं, फिर कुछ गुनाह नहीं है। अब बच्चे को जबरदस्ती ही दूध छुड़ा देना, वो दूसरा कुछ खाता पीता भी ना हो, तो फरमाया कि ये तुम बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हो। वइन अरा तुम अंतस्तर दियो औलादकुम फला जुनाह, अगर तुम चाहो कि दाइयों से अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो तुम पर फिर भी कोई गुनाह नहीं, मुजायका नहीं है। मैंने पहले जो बात बयान की, अगर चाहते हो कि हमारे बच्चे को कोई दूसरी औरत दूध पिलाए, वो दाइयां उस जमाने में थी जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत थे हलीमा सादिया पाक का दूध पिया, तो उस जमाने में अरब में एक दस्तूर भी था, बाज इलाकों में दस्तूर के मुताबिक भी होता है। अलैकुम इजा सल्लम तुम मा आतई तुम बिल मारूफ, जब जो कुछ देना ठहरा था भलाई के साथ इन्हें अदा कर, जो तय हुआ था
आपने एक औरत को हेयर किया, उसको बुलाया कि मेरे बच्चे को दूध पिला। अब उसने कहा मैं आपके बच्चे को एक साल या छः महीने या डेढ़ साल मैं दूध पिलाऊंगी, अगर उसके बदले में इतने हजार रुपया लूंगी। तो इस्लाम ये कहता है कि आप उसके देने के पाबंद हैं। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे को अब दूध उससे पिलवा लिया है, अब आप कयाम तो नहीं देते। तो फरमाइए उसकी तुम मजदूरी और उजरत को दबा रहे, वत्तकुल्लाह वालमु, अल्लाह से डरते रहो और जान रखो, इन अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है, तुम जो भी कर रहे हो जिस नीयत से कर रहे हो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ऐसा नहीं कि तुम कहो कुछ करो कुछ, जो तुम कहते हो अल्लाह वो भी सुनता है और जो तुम करते हो अल्लाह वो भी देख रहा है।